कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर खूब लोगों से संवाद किया, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिला और जमीनी स्तर पर लोगों की क्या समस्याएं हैं ये भी पता चला। तो वहीं इस यात्रा में वो जमकर केंद्र सरकार पर बयान देते नजर आए। खैर, इस यात्रा को पूरे हुए भी वक्त हो गया है और अब राहुल गांधी ने फिर बयान दिया है जो आपको हैरान कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर था। राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस समेत लोगों में हलचल मच गई है। वैसे इन दिनों राहुल गांधी अपने नए लुक को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो बिना दाढ़ी के दिख रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान दावा किया है कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने दावा किया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने के लिए सलाह भी दी थी। भारत देश में इस वक्त क्या चल रहा है ये बखूबी आप जानते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग एक निरंतर दबाव में हैं और यही दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने बयान में राहुल गांधी का संबोधन असहिष्णु होते समाज में सुनने की कला पर फोकस था। उन्होंने दुनिया भर में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नई सोच को जरूरी बताया। देश को बेहतर बनाने के लिए नई सोच की जरूरत है। उन्होंने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में लगातार घट रही मैन्युफैक्चरिंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस बदलाव ने व्यापक स्तर पर असमानता और नाराजगी को जन्म दिया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की भी जरूरत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम एक ऐसी दुनिया नहीं चाहते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई नहीं हो, इसलिए हमें नई सोच की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हो, इसलिए हमें एक नई सोच अख्तियार करनी पड़ेगी। हमें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक माहौल तैयार करना होगा। इस मुद्दे पर बात करें और विचार करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेगासस मामला है क्या। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है, इस वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है। इसे इजराइल सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो टारगेट के फोन में जाकर डेटा लेकर सेंटर तक पहुंचाने का काम करता है। इस सॉफ्टवेयर के फोन में जाते ही फोन सर्विलांस डिवाइसेस के तौर पर काम करने लगता है। इससे एंड्रॉयड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। इसको लेकर हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि साल 2019 में भारत में कम से कम 1400 लोगों के निजी मोबाइल या सिस्टम की जासूसी हुई थी, जिसमें जाने माने लोग शुमार थे। काफी हंगामे के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।